हेलो स्टूडेंट, फॉर टुडे क्लास 10 लेक्चर इज 12 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स: रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, अभी इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता था? रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस ऑन स्ट्राइकिंग थ्रू एनी ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स दिस फिनोमेना ऑफ दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच द लाइट रेस आर बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्स्टिकल इन द मूवमेंट ऑफ इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट हियर रिफ्रैक्शन, एंड हियर रिफ्रैक्शन मीन्स द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हियर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन गोइंग फ्रॉम one medium to another medium. Okay, means when the light rays go from one medium to another medium, its speed changes. As we know, speed of light in vacuum, speed, velocity or speed in vacuum और एयर इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड देयर आर नाउ अकॉर्डिंग टू इट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट वन इज रेयर एंड सेकेंड वन इज डेंसर मीडियम। ओके, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। व्हाट इज रेयर मीडियम? देखिए, रेयर मीडियम को समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए, इसमें जो होंगे पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स की बात की जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत ही दूर दूर होंगे, और इसमें लाइट क्या होगा? इजिली उसमें मूव कर सकेगा। और इसकी बात करेंगे, ये डेंस मीन क्या होता है? घना होता है। और डेंसर मीडियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डेंसर मीडियम का मतलब इसमें लाइट जो रेज होंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे बहुत क्लोज होंगे, और उसमें जाने में लाइट को क्या होगा? थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसकी वजह से उसमें क्या होती है, उसके मीडियम में उसके स्पीड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम ग्लास और वाटर लेंगे, मीन सॉलिड और लिक्विड देंगे, तो यहाँ पे लिक्विड किस में आ जाएगा? रेयर में। देखिए क्या लिया है हमने, लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड। अगर लिक्विड और सॉलिड लेते हैं तो लिक्विड आपका क्या होगा? रेयर होगा, जबकि सॉलिड किस में आ जाएगा? डेंसर में। लेकिन यही हम क्या ले रहे हैं, गैस और लिक्विड लेंगे, गैस एंड लिक्विड। तो इसके लिए यहाँ पे गैस जो है वो आपका रेयर हो जाएगा, लिक्विड क्या होगा? डेंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे समझना बस इस बात को है कि आप ये देखो, यहाँ पे लिक्विड या गैस उससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि जो भी दो मीडियम आप ले रहे हो, उन दोनों मीडियम में से जो एक मीडियम होगा वो क्या होना चाहिए, मतलब कि ऑप्टिकली रेयरर हो और दूसरा ऑप्टिकली डेंसर हो। मीन्स उसमें जो है आप उस हिसाब से हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड देखते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर होंगे सॉलिड की तुलना में, इन कंपेरिजन टू सॉलिड। इसी तरह गैस और लिक्विड लेंगे, तो इसमें गैस और लिक्विड में यहाँ गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दूर होंगे इन कंपेरिजन टू लिक्विड। तो इससे हम क्या समझ में आता है, रेयरर और डेंसर मीडियम हमने समझा। ठीक है, मीन्स इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, रेयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, अदर मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, एंड मैक्सिमम देन इट विल बी रेयर मीडियम। सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हियर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एज रिफ्लेक्शन ऑल्सो हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज सेम एज रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम फ्लेंज, मीन्स ऑल लाई ऑन द सेम फ्लेंज. बट सेकेंड लॉ इज हियर डिफरेंट एंड दैट इज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? मीन्स हियर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द स्नेल्स लॉ इज सेकेंड लॉ. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ मीन्स व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस means the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant. Means here Snell's law is sine I upon sine R, sine R is constant and this constant is noted by mu here. Okay, this is Snell's law and second law for laws of reflection. Means sine of angle of incident and sine of angle of refraction is constant. Here I is for incident and R for refraction. Means sine of angle of incident and with sine of angle of refraction is constant. This is Snell's law and law for second law for laws of reflection. Now we talk about refraction through a glass slab. What is refraction through a glass slab? So here refraction through a glass slab. Glass slab. देखिए glass slab से हम refraction देखेंगे. Here it is a glass slab. Okay. Glass slab. Here air and again here is air. Means अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एयर है, गैस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा. इसको हम क्या करेंगे, रेयर मीडियम, ये भी रेयर है एंड दिस इज डेंसर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम. एक और बात आप ध्यान देंगे नोट में, फर्स्ट में व्हेन लाइट रेस गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम and in second condition denser to rarer medium. In when goes from rarer to denser, देखिए rarer है means मतलब वो कि air में है और जैसे denser में जा रहा है मतलब कि पूरा वो क्या होगा, उसका speed कम हो जाएगा. और इस condition में क्या होता है, bends light rays bends towards नॉर्मल. और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर, लाइट रेस गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. इसमें डेंसर टू रेयर जाते हैं तो क्या होता है, लाइट रेस नॉर्मल से दूर जाता है. ठीक, इसको और इजी वे में समझना हो तो जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे एक रूम में हो और रूम में बहुत सारे लोग हैं और उसमें आके अचानक से कोई कहता है कि उसमें बॉम्ब है, तो उसमें आप इजीली क्या होगा, बाहर मूव नहीं कर सकते हो. मीन्स अब वहाँ पे क्या था, कंडीशन डेंसर का था और वहाँ से मतलब आपको बाहर निकलना, तो वहाँ से आप आसानी से नहीं निकल सकते हो. लेकिन वही अगर रूम में दो लोग हैं, अगर वहाँ से निकलना हो तो आसानी से आप निकल सकते हो. कहने का मतलब ये है कि जब आप रेयरर में हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो इजीली लाइट वहाँ से क्या हो सकता है, मूव कर सकता है. ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट रेज है वो क्या होता है, एक ट्रांसवर्स वेव है और पार्टिकल्स के थ्रू अगर वो मतलब टकराएगा तो उसका स्पीड क्या होता है, कम होते जाता है. आई डेंसर में क्या होगा, सॉलिड होगा तो उसमें स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो जाएगी. अभी रेयर में जाएगा, ठीक है, डेंसर क्लोज में है और जैसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, लाइट पूरा फैल जाएगी. जबकि अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है, आगे क्या मिल रहा है उसको, सॉलिड मिल रहा है या फिर कंडेंस्ड मिल रहा है, तो उसमें क्या, रेयर में है, खुला हुआ है और धीरे धीरे क्या होगा, क्लोज होगा. मतलब ये क्या आ रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल. आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इंसिडेंट रे, ओके इंसिडेंट रे, ये हमने नॉर्मल रे यहाँ पर ड्रॉ किया. ठीक, तो अब क्या हुआ, देखिए रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंडिंग हो गई
व्हेन इट गोस फ्रॉम, अब ये देखिए ये क्या है, डेंसर है, अब डेंसर टू रेयर अगेन नियर नॉर्मल एंड लाइट रेज विल अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो हियर रिफ्रैक्टेड रे, इट इज रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एन वन और एन एस एंड हियर इज एन और एन वन और एन टू, सबसे बढ़िया एन वन ये एन टू हो गया. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ आई वन और यहाँ पे आर वन और यहाँ आपको मिलेगा आई टू आर टू. ओके देखिए एक और बात ध्यान देने वाली, ये इंसिडेंट रे को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये रे आपका क्या बन जाता है, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे. और ये आपके बीच का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है, लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. मीन द पैरेलल लाइन एक्सटेंडेड, द पैरेलल लाइन एक्सटेंडेड बाय एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट पैरेलल टू इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. मीन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन एक्सटेंडेड बाय इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक्स ऑफ योर टुडेस क्लास, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक्स. थैंक यू फॉर क्लास.